ये भैंस काफी देर से जोर लगा रही थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, काफी देर से जोर लगा रही थी, अभी बच्चा इसका निकाला है, कट्टी है माशाल्लाह, और कोई 45-50 किलो की कट्टी है, इस वजह से भैंस थोड़ी डिस्टर्ब हो रही थी, और बड़ी ज़बरदस्त माशाल्लाह जेट ब्लैक, बिल्कुल ही ब्लैक कट्टी है। वो जो दूसरी एक भैंस है उसका तो उसकी नहीं मैंने वीडियो बनाई, इसकी चूँकि हमें असिस्टेड बर्थ करनी पड़ी है, और हर साल माशाल्लाह बच्चा देती है भैंस, बहुत कमाल की भूरी भैंस है। ये जब से पैदा हुई है ना कट्टी भैंस, मुसलसल इसको लिक किया जा रही है, मैंने कई दफ़ा बताया ये जानवर लिक करते हैं ना, उसकी वजह से बच्चे की ना अब ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो गई है, ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हुई है ना, ये समझे ऐसे ज़िंदगी का आगाज़ होता है, और दूसरा एक ख़ास किस्म का बॉन्ड बन जाता है बच्चे के दरमियान और माँ के दरमियान, वो बाज़ जानवर होते हैं अपने बच्चे के बगैर दूध नहीं उतारते, वो इसी खुशबू की वजह से होता है। अभी 10 मिनट में कट्टी ने इंशाल्लाह खड़े हो जाना है, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हेल्दी कट्टी है, और ये इंसेमिनेशन की है, मतलब है कि 100% हम टिक के रखते हैं। बहुत से भाई मुझसे बार बार पूछते हैं कि ना कोई अच्छे बुल का ना सीमन बता दें कादराबाद के, मैं कितनी दफ़ा बताया कि कादर सीमन प्रोडक्शन यूनिट कादराबाद गवर्नमेंट का जो है कादराबाद का, वहाँ जितने भी बुल हैं सब आउट क्लास कैटेगरी के हैं, जानवरों के रिकॉर्ड की बाकायदा तस्दीक होती है, और इतनी एक्यूरेसी फील्ड के अंदर भी नहीं है रिकॉर्ड की, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 99% एक्यूरेट डाटा होता है, और पूरे रिकॉर्ड वाले भूल गए हुए हैं एसपीयू कादराबाद, कादराबाद का जो भी सीमन अवेलेबल है ना आपके पास उसकी इंसेमिनेशन करवाएं, और इंशाल्लाह बड़े ही अच्छे, अगर कट्टे आएँ तो बड़े अच्छे ब्रीडर बनेंगे, अगर कट्टियाँ आती हैं तो बहुत अच्छी प्रोजनी आपकी आएगी।